मिनी ई बाइक ना चले तो इसकी वायरिंग सेटिंग करने का तरीका देखें और थ्रॉटल की भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास मिनी ई बाइक आई है। ये इसका मसला ये था, यानी कि रिवर्स चलती थी, फॉरवर्ड नहीं चलती थी। तो मैंने इसका चाबी भी नहीं थी इसकी, यानी कि पड़ी पड़ी जो है ना, कुछ बैटरी डाउन हो गई थी। तो पहले तो बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए, बैटरी का करंट पूरा कर लेना चाहिए। बैटरी का करंट पूरा ना होगा तो ये कंट्रोलर काम नहीं करेगा इसका। तो बैटरी मैंने चार्ज की थी, फिर इसको स्विच को डायरेक्ट कर दिया था। फिर आपको मैं बताता हूँ जो इसका सेंसर भी होता है, क्योंकि बाज़ अवकात इस पैडल से चलती है गाड़ी, ये मिनी बाइक इस पैडल से चलती है, लेकिन ये पैडल से नहीं चल रही। इस यानी कि ये ब्रेक है और ये थ्रॉटल है। थ्रॉटल इसका भी सेंसर होता है 49E, जैसे ई बाइक का होता है ना, इलेक्ट्रिक बाइक का। ये देखें, ये कलर मैं दिखा दूँ आपको, ये थ्रॉटल के कलर है और ये देखें जैसे ई बाइक के होते हैं थ्रॉटल के, वैसे ही होते हैं और सिग्नल भी वैसे ही आते हैं। और ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ जब ये थ्रॉटल के यानी कि सिग्नल और करंट कितना होता है। और यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड इसका नॉक्स था बटन का, ये बटन मैंने चेंज किया है। और इसका यानी कि कनेक्शन भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्शन होते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये जो थ्रॉटल वाली वायर्स आ रही हैं वो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखें ना, ये एस लिखा हुआ है, ये सिग्नल वाली, ये सेंटर वाली, ग्राउंड वाली, ये वोल्टेज वाली, ठीक है। ये यानी कि मैं आपको चेक करवा दूँ जब इसके सिग्नल और करंट कैसे चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये स्विच डायरेक्ट करना है, यानी कि चाबी हो तो चाबी लगानी है। किसी मिनी बाइक का बटन होता है, पुश बटन होता है, ठीक है। इसका जो है ना, ये चाबी स्विच है, ये देखें, ये चाबी स्विच है, ये मैंने ऑन कर दिया है, ये देखो ये लाइटें ऑन हो गई हैं। तो ये देखें ना, मैं फिर दिखा दूँ, ये देखें दोस्तों, ये मैंने जैसे डायरेक्ट के, ये देखें, ये मैं हटा रहा हूँ, अब ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखा, ये आवाज़ भी आ गई है और लाइटिंग भी ऑन हो गई है। तो लाइटिंग ऑन हो गया, खुदा ना खास्ता फिर भी ना चले तो पहले तो आप थ्रॉटल का करंट ही चेक करेंगे, जब भी थ्रॉटल का करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये देखें, मीटर को जो है ना, मैंने 200 वोल्ट पे रखा है, डीसी 200 वोल्ट पे। और ये इसका पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जब भी आते हैं नहीं आते। ये देखें, ये वोल्टेज वाली और ये ग्राउंड वाली, ये देखें 3 वोल्ट शो हो रहा है ना। अब आउटपुट सिग्नल चेक करेंगे इसके, फिर इसको यानी कि ये चेंज कर देंगे मीटर की वायर। ये देखें, ये सेंटर में ग्राउंड रखेंगे और ये सिग्नल वाला चेक करेंगे। एक्सीलेटर दो भाई, ये देखें 2 वोल्ट दो, यानी कि ये देखें बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऐसे ना बढ़े तो फिर बाइक नहीं चलेगी, पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है। अब ये चीज़ चेक कर ली हमने, और यानी कि इसका मसला तो ये था, यानी कि ये बटन ख़राब था रिवर्स फॉरवर्ड वाला। तो मैंने ये वायर भी आपको दिखा दूँ, ये देखा, ये कोने वाले जो है ना, ये 2 मिला देनी है और इस कोने वाले भी 2 मिला देनी है, ठीक है। और यहाँ करंट लगा देना है, जो ये 2 रेड और ब्लैक आ रही हैं, ये इस कंट्रोलर से, ठीक है। ये ग्रिप आप देख लें, रेड और ब्लैक आ रही हैं, ये सेंटर में लगा देनी है। और ये मोटर वाली जो वायर्स हैं 2, ये देखें, ये रेड और ब्लैक, ये इन कोने वाले के साथ सेट कर देनी है आपने। ये देखें, ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं चला के दिखा दूँ, चलाओ भाई रेस बैक। ये देखें दोस्तों, ये अब रिवर्स चल रही है, ये बटन मैंने चेंज किया है इसका। अब ये फॉरवर्ड, ये वैसे मैं चेंज किया ना, ये फॉरवर्ड चल रही है। तो इसका ज़्यादातर बटन का नुक्स होता है, ये बटन चेंज कर लिया करें और ये थ्रॉटल भी ऐसे चेक कर लिया करें। ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरी है। ऑन होने का भी यही ऑप्शन है, यानी कि ऑन होने का स्विच लगाएं या पुश बटन होता है किसी में, तो ऐसे आपने चेक कर लेना है। ये मैं वायरिंग भी आपको चेक करवा दी है, मैंने लाइटिंग भी चेक करवा दी है ऑन होने का, यानी कि ये चाबी नहीं थी इसकी, खड़ी रह गई, बैटरी डाउन है, इसीलिए जो है ना ये थोड़ा सा मसला कर रही थी। बैटरी इसकी चार्ज करेंगे, कनेक्शन आपको दिखा दिए हैं और थ्रॉटल वाले भी आपको ये जहन नशीं कर ले, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।